मेरे प्यारे फार्मर भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो हम सब लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक मुर्गी से मैक्सिमम अंडे और लंबे समय तक कैसे ले सकते हैं। टॉपिक: हाउ टू अचीव पीक एंड परसिस्टेंट प्रोडक्शन इन ब्रायलर ब्रीडर्स। अब देखो, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम हैचिंग एग्स मिल सके, अच्छी क्वालिटी के हमें चिक्स मिल सके। इसके लिए छोटी छोटी कुछ बातें हैं, अगर हम उन बातों को ध्यान से समझेंगे और करेंगे तो हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी तरीके से हमें यूनिफॉर्म फ्लॉक डेवलप करना है, और फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी 85% से ज़्यादा हो या 85% हो। अगर यूनिफॉर्मिटी 85% है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी पीक प्रोडक्शन 85 पे जरूर जाएगी। अगर 87% आपकी यूनिफॉर्मिटी है तो आप ये सोचिए कि आपको पीक प्रोडक्शन 87% तक मिलेगी। और यूनिफॉर्मिटी कितनी, दो तरह की है। एक तो स्केल्टल यूनिफॉर्मिटी है, जो उसका हड्डियों का ढांचा है वो यूनिफॉर्म हो, और दूसरा है आपकी स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी। इसमें उसके ऊपर जो मस्कुलर मास है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। और इसके फायदे क्या हैं? इसके ये फायदे हैं, जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा आपकी यूनिफॉर्मिटी होगी उतना ही पीक प्रोडक्शन आपके फ्लॉक का आएगा। उसी हिसाब से आपको हैचिंग एग्स मिलेंगे और आपके चिक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी और मोर्टेलिटी बहुत कम रहेगी, और जो बीमारियां हैं और डिजीज के चैलेंजेस हैं वो बहुत कम रहेंगे। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप हमेशा देखना, जब भी मोर्टेलिटी होती है तो ओवर स्ट्रक्चर बर्ड का मतलब जो भारी है, जैसे एवरेज बॉडी वेट आपका 3600 ग्राम है और वो बर्ड आपके 4300-4400 बर्ड है, 4300-4400 ग्राम के बर्ड है, तो आप ये देखेंगे मोर्टेलिटी 4300-4400 ग्राम वाले बर्ड में ज़्यादा हो रही है, या फिर जो 3 किलो 3100-3200 ग्राम के रेंज में है उनमें हो मिलेगी। जैसे 10 की मोर्टेलिटी है तो 10 में से आप देखोगे जो फ्लॉक आपके 3500-3600 ग्राम के हैं एवरेज वेट में, वो मिलेंगे 2, और बाकी आपके मिलेंगे ओवर स्ट्रक्चर और अंडर स्ट्रक्चर बर्ड्स। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी का ब्रायलर ब्रीडर में कितना बड़ा रोल है। इसको हम अचीव कैसे करें, हम कैसे 85% या उससे ज़्यादा यूनिफॉर्म फ्लॉक को कैसे डेवलप करें, इसके लिए ये जरूरी है सबसे पहले कि हमारी टाइमली प्रॉपर ग्रेडिंग हो। प्रॉपर ग्रेडिंग मतलब अगर मेल है तो उसको हमें सबसे पहले ग्रेडिंग करना है। फर्स्ट ग्रेडिंग मेल की होती है 22-23 दिन पे, और फीमेल की ग्रेडिंग हमें करनी है 24-28 दिन पे। सेकंड ग्रेडिंग हमारी होगी 8-10 वीक पे, थर्ड ग्रेडिंग 14-15 वीक पे, और उसके बाद हमें कॉम ग्रेडिंग करनी है, वो करनी है 21-22 वीक पे। ठीक है, अब इसके लिए क्या जरूरी है, एक तो ग्रेडिंग वाला पॉइंट है, दूसरा जो हम चोंच की 3-7 दिन पे कंडीशनिंग करते हैं वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर अगर चोंच ज़्यादा कट गई तो बर्ड प्रॉपर फीड नहीं ले पाएगा और उसके चोंच पे जख्म रहेंगे और थोड़े टाइम के बाद उसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि बी कंडीशनिंग प्रॉपर तरीके से हो, बर्ड्स को प्रॉपर स्पेस मिले, और उसको वेल बैलेंस्ड फीड बर्ड्स को मिलनी चाहिए। जो वो फीड दे रहे हैं वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होनी चाहिए। इससे के लिए एक पॉइंट और जरूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट टू द बर्ड्स।
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ, जहाँ शेड के अंदर बर्ड्स हैं उसमें प्रॉपर हवा का सर्कुलेशन है क्या, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन है क्या, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या स्टेटस है, टेम्परेचर कैसा है और उसमें लाइट कैसी है और बर्ड्स को स्पेस कैसा है। ये माइक्रो एनवायरनमेंट है जहाँ हम अपने बर्ड्स को रखते हैं। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है, एयर सर्कुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये मान के चलो, अगर मान लो कोई फ्लॉक है उसमें 10,000 बर्ड्स हैं, 10,000 बर्ड्स में आप बताओ लंग्स कितने हुए, 20,000। 20,000 लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है? मैं ये देखता हूँ सर्दियों के टाइम ब्रूडिंग में स्पेस कम देते हैं और एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाते, ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा उस एनवायरनमेंट में कम होती है, बर्ड्स को कम ऑक्सीजन मिलता है। कम ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है, उसके लंग्स की डेवलपमेंट कम होती है। और उसके बाद आप ये देखते हो, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, जब भी बर्ड ग्रोथ लेगा 20-22-24 दिन पे, तो उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो उसकी जो जड़ें थी वो उसकी ब्रूडिंग में थी, जब आपने ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको मैक्सिमम ध्यान देना है, और आपको ब्रूडिंग में एग्जॉस्ट फैन, छोटे जो हम किचन में यूज करते हैं वैसे एग्जॉस्ट फैन आपको यूज करने हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, ऑक्सीमीटर आता है, आप चाहें तो ऑक्सीमीटर यूज कर सकते हैं और उससे आप ऑक्सीजन के लेवल चेक कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है प्रॉपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये 55 से 65% तक रहता है, 55 से 65% प्रॉपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी चिक्स को चाहिए। इसके लिए आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक मीटर होता है, और साथ में आपके पास टेम्परेचर भी वो शो करता है, तो वो आप अपने ब्रूडिंग शेड में रख सकते हैं। इसी तरह से प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट हो, और सबसे बड़ी बात है चिक्स को प्रॉपर स्पेस चाहिए। जैसे चिक्स आते हैं स्टार्टिंग में, तो मैं ये देखता हूँ स्पेस पूरा है, केजेस पूरे हैं, लेकिन एक केज में कोई 12 डाल रहा है, कोई 16 डाल रहा है, ऐसे वो चिक्स डालते हैं। सर्दियों में 14-15-16 ऐसे डालते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 8 चिक्स डाल लें स्टार्टिंग में, तो उसकी प्रॉपर मोमेंट्स होंगी, चिक्स के मोमेंट्स होगी, तो उसकी जो लेग है वो स्ट्रोंग रहेगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर मोमेंट्स होंगे। अगर आप वही 14 या 16 चिक्स डाल दें तो बर्ड प्रॉपर मूव नहीं कर पाता। और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से सर्दी में लोग एक केज में ज़्यादा चिक्स रखते हैं, तो आपको चाहिए कि फर्स्ट वीक में आप सिर्फ 8 चिक्स रखें। अगर आप ऐसा रखते हैं तो आप ये देखोगे कि आपके चिक्स में लेमनेस कम से कम आएगी, लेम चिक्स कम से कम निकलेगा, आपके चिक्स में यूनिफॉर्मिटी अच्छी रहेगी। तो यूनिफॉर्मिटी का पहला स्टेप क्या हुआ कि जिस टाइम आपने चिक्स छोड़े हैं उसी टाइम से आपको ध्यान। दूसरी चीज है कि जो आप वैक्सीन देते हैं चिक्स को, उन वैक्सीन के ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप जो शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल डिपेंड करता है आपका एरिया कैसा है, डिजीज सिनेरियो कैसा है, आसपास फार्म कैसे हैं, पहले फ्लॉक्स में कोई बीमारी आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के आपका शेड्यूल, एक जनरल शेड्यूल है और एक शेड्यूल स्पेसिफिक होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जाकर हमारे लैब से या हमारे डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे पिछले फ्लॉक में ये प्रॉब्लम थी, तो इस बार मुझे कैसे सावधानी लेनी है कि मैं इसको प्रॉपर से पाल सकूँ। तो अब ये देखो, हमारे नॉर्थ इंडिया में जो मेजर है वो दो प्रॉब्लम है, एक न्यूकैसल डिजीज है, NDRD बोलते हैं, रानीखेत डिजीज बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। दो मेजर बीमारी है, अगर आपको इनके ऊपर ध्यान दोगे तो ये बीमारियां नहीं आएगी। और हमारे यहाँ मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पीक समर, हमारा पीक समर रहता है और पीक विंटर रहता है। तो पीक विंटर और पीक समर के दौरान, उससे 3 सप्ताह पहले,
आपको ये दोनों वैक्सीन लगानी है, पीक समर में और पीक विंटर में। आप इसको 6 से 8 वीक पे ले सकते हैं और उसके बाद इसको 8 से 10 वीक के इंटरवल पे यूज कर सकते हो। लेकिन ये दोनों बीमारियां मेजर बीमारियां हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे एनडी किल्ड के लिए क्या आता है, एनडी वीजा 15, और आईबी के लिए आता है वीएच ब्रो एमएन। तो दोनों इंडिविजुअल वैक्सीन आप यूज करें, जैसे एक इस सप्ताह कर दी, दूसरी अगले सप्ताह कर। अब सेकंड पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी को गेन करने के लिए, मैक्सिमम फ्लोक को यूनिफॉर्म रखने के लिए, कि आपके फीड फार्मूलेशन बैलेंस्ड हो। तो इसके लिए हमने फीड फार्मूलेशन ये सारा दिया हुआ है, स्टार्टर, ग्रोवर, डेवलपर, प्री ब्रीडर, ब्रीडर वन, ब्रीडर टू और मेल के लिए। और इंग्रेडिएंट्स हैं, मक्का है, डीआरबी है, सोया है, मार्बल पाउडर है, मार्बल चिप्स है, एमसीपी है, और ये एंजाइम है, टीएम है, ब्रीविट प्लस 3 है, मेथियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, सोडा बाइकार्ब, नमक, एसिडिफायर, बायोवेंटोक्स और वेलडोट। इसमें ये बात ध्यान से सुनने की है कि हम अपने चिक्स को स्टार्टिंग में 6 वीक तक हमें वेलडोट यूज करना है। और आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी दवा यूज नहीं करनी, जैसे सीएमपी है, वो हमें लेयर चिक्स में, ब्रायलर ब्रीडर चिक्स में कभी भी नहीं देनी होती। हमें कोक्सी डियोस्टेट यूज करना होता है, सिर्फ डोट, वेल डोट के नाम से आता है, आधा किलो 1 टन फीड में। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो ब्रैकेट में है। तो इस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जैसे हमारा स्टार्टर है, उसके लिए हमें एनर्जी कितना चाहिए, 2850 किलो कैलोरी, प्रोटीन 19%, कैल्शियम 0.95%, फॉस्फोरस 0.45%, डाइजेस्टिबल लाइसिन 0.93, डाइजेस्टिबल मेथियोनिन 0.42 और थ्रियोनिन 0.65। तो ये सारा का सारा स्टार्टर का, ग्रोअर का, डेवलपर का, प्री ब्रीडर का, ब्रीडर वन, ब्रीडर टू और मेल का सारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ब्रैकेट में दी है, और इससे ये काफी कुछ मैच होता है। अब देखो, अगर हमें यूनिफॉर्मिटी, वही बात है, सिर्फ हमें यूनिफॉर्मिटी पे ध्यान देना है, और उसके लिए ये जरूरी है, जब आप ब्रूडिंग करते हैं तो ब्रूडिंग में आपको 5 अलर्ट्स हैं ब्रूडिंग पीरियड में। सबसे पहली बात है डेली वाटर मॉनिटरिंग एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ निपल्स। आपको डेली ये नोट करना है कि पानी कितना पी रहे हैं। बहुत छोटी बात है, आप एक वाटर मीटर लगा सकते हैं, वाटर मीटर से आपको ये पता लगेगा कि आज कितना पानी पिया। और आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन है, कोई डिजीज कंडीशन है, सबसे पहले आपके पानी की इनटेक कम होती है। तो इसलिए ये जरूरी है, आप करोड़ों रुपए लगाते हो, अगर आप वाटर मीटर भी लगा देंगे जहाँ आपकी पाइपलाइन आ रही है, जहाँ से आपका पानी की सप्लाई है शेड के अंदर, वाटर मीटर से आपको डेली पता लग जाएगा कि आज कितना पानी उन्होंने लिया। दूसरा है टेम्परेचर मॉनिटर, मॉनिटरिंग एट मल्टीपल स्पॉट्स इनसाइड द ब्रूडिंग हाउस। अलग अलग स्पॉट्स पे, अलग अलग जगह पे आपको ये देखना है टेम्परेचर कितना है, यूनिफॉर्म है या नहीं है। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान देना है, ऑक्सीजन का लेवल आपको ध्यान रखना है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हम शेड में जाते हैं, अगर हमारा दम घुटता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के लेवल कम है। तो हमें एयर सर्कुलेशन पे ध्यान देना है, एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं, छोटे मिनी एग्जॉस्ट फैन यूज करने हैं। तो जैसे आप थोड़ी देर चलाओगे तो लेवल ठीक हो जाएंगे, ऑक्सीजन अवेलेबल ठीक रहेगा। उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, एडिक्वेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट 70 से 80 लक्स, स्पेशली फॉर
फर्स्ट 3 डेज, शुरू के 3 दिन अगर लाइट उनको अच्छी से मिलती है 70 से 80 लक्स, तो चिक्स आराम से अपना फीड ले सकते हैं, आराम से वो पानी ले सकते हैं। और एक खास बात है, इस बात को ध्यान से सुनो, ये जो डिस्ट्रॉय डल डिप्रेस्ड एंड लेम चिक्स एट द अर्लीस्ट एंड डोंट कीप देम इनसाइड द शेड, इस बात का क्या मतलब? मैं यूजुअली फील्ड में देखता हूँ जो लंगड़े लूले चिक्स होते हैं जिनकी मोर्टेलिटी होनी होती है, लोग उसको क्या करते हैं, एक अलग डब्बे में डाल के रख देते हैं और जब तक वो मरते नहीं उसका इंतजार करते हैं, और उसमें से एक भी नहीं बचना। जैसे 10,000 है, 10,000 में से आपके 50-40 ऐसे चिक्स निकल गए तो उसको रखे रखते हैं। आप इस तरह की प्रैक्टिस ना करें, वो चिक्स आपके शेड में बीमारियां फैलाते हैं और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। आप पहले दिन, दूसरे दिन, विद इन ए वीक आप ऐसे चिक्स से छिटाई करके और आप उनको डिस्ट्रॉय करें, ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। अब एक और बात समझने की है, इस टेबल को आप ध्यान से देखो, ये टेबल है रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंजप्शन विद टेम्परेचर बाई 1,000 बर्ड्स पर डे। 1,000 बर्ड्स एक दिन में कितना पानी पीते हैं टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ, जैसे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो 2 सप्ताह का चूजा है और अगर टेम्परेचर आपका है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप ये देखो इसका वाटर इनटेक कितना, 1,000 चिक्स कितना पानी ले रहे हैं, 55 लीटर। अगर ये टेम्परेचर है 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड तो कितना पानी ले रहे हैं, 68 लीटर। और अगर ये टेम्परेचर आपका है 32.2 तो ये ले रहे हैं 114 लीटर पानी 1,000 बर्ड्स। और अगर टेम्परेचर आपका है 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपके बर्ड्स में जो वाटर इंटेक है 1,000 बर्ड्स आपका लेगा चिक्स 138 लीटर। देखो अब आप ध्यान से देखो, कहाँ तो ये 55 लीटर, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और कहाँ 138 लीटर जब आपका टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हम एंटीबायोटिक देते हैं, वो कैसे देते हैं, हम कहते हैं 1 ग्राम 1 लीटर में दे दे, 1 ग्राम 2 लीटर में। इस टेबल का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि आप एंटीबायोटिक बॉडी वेट के हिसाब से दीजिए, बॉडी वेट के हिसाब से आप देंगे तो आपको ये पता है कि भी 1,000 बर्ड्स को, जैसे मान लो आपको 100 ग्राम देनी है दवाई कोई भी, तो 100 ग्राम दवाई आपकी जा रही है तो आपको ये पता है भी मेरे को 114 लीटर पानी में 100 ग्राम देनी है। अगर आप 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से देंगे और वो मान लो आपकी यहाँ 55 लीटर पानी है, तो आप ये देखो, मान लो मैं 1 ग्राम 1 लीटर में करूँ तो यहाँ कितनी लगी 55 ग्राम और यहाँ कितनी लगी 114 ग्राम, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि बॉडी वेट के हिसाब से कितनी दवा की जरूरत है उसी हिसाब से, और हम ये देखते हैं टेम्परेचर कितना है और बर्ड्स का वाटर इंटेक कितना है। तो टेम्परेचर का रिलेशन पानी कितना पी रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक और बड़ी जरूरी बात डिस्कस करनी है, ग्रोइंग फेज में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे होग स्वेलिंग, गोड्डों का सूजना, बड़ी कॉमन सी चीजें हैं फील्ड में, क्रॉप इंपेक्शन, और एक होता है इंटू सुसेप्शन जिसको आप अपनी भाषा में प्रोलेप्स बोलते हैं। तो होग स्वेलिंग में क्या है, जो गोड्डों पे स्वेलिंग आती है उसके कारण है स्टेफ इन्फेक्शन है, इकोलाई है, या माइकोप्लाज्मा साइनोवी इन्फेक्शन। तो इसको दूर करने के लिए आपको बर्निंग करनी है, जब आप चिक्स आपके प्लेस हो उससे पहले आपको केस की बर्निंग करना जरूरी है, ठीक है।
दूसरी बात क्रॉप इंपेक्शन। क्रॉप इंपेक्शन क्या होता है, जैसे आप फीड डालते हैं तो बर्ड बहुत ज्यादा दाना ले लेता है और उसका क्रॉप है वो सारा का सारा उसमें दाना उसके क्रॉप में इकट्ठा हो जाता है और वो पानी पीता नहीं। ये कब सिचुएशन होती है, ये जब सिचुएशन होती है जब आपके ग्रेन का जो आपका फीड है उसमें ग्रेन का साइज प्रॉपर नहीं होता, बड़ा बड़ा होता है और उसका मक्का के दाने लगातार कंटिन्यू वो स्पीड से खाता रहता है और पानी पीता नहीं। और क्या बात है, इसमें बर्ड को फीड प्रॉपर नहीं मिलता। जैसे आपके एक पिंजरे में 6 बर्ड हैं तो उसके अंदर 5 बर्ड आगे आगे एक बर्ड पीछे रह गया और 5 बर्ड ने दबा के फीड खा लिया, साइड वाले से खाएंगे पहले बाद में अपनी हिस्से की। क्रॉप इंफेक्शन का भी है जब आपकी प्रॉपर स्पेस ना हो और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीड ना हो। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है इनटू सक्सेप्शन। जैसे आप इस पिक्चर से समझेंगे, मोस्टली लोगों ने इस प्रॉब्लम को सफर किया है। आज से 6-7 साल पहले ये बड़ी कॉमन सी चीज थी और लोग इसको कहते ब्रीड से जोड़ते थे कि ये तो 4:30 की प्रॉब्लम है। लेकिन हमने लोगों को एजुकेट किया, हमने बात को समझाया और टाइम के साथ ये समझ में आ गया कि इसका रीजन क्या है। तो इसका जो बेसिक रीजन है उसको आप समझो। ये एक कॉमन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है ग्रोवर्स के अंदर और हम 5 वीक से लेके 12 वीक के आसपास तक इसको देख सकते हैं। और ये कब अराइज होती है, जब हम फीड रेस्ट्रिक्ट करते हैं। फीड रेस्ट्रिक्ट करना, प्रॉपर स्पेस का ना होना और बर्ड्स में एंट्राइटिस का होना, तो ये इसके मेन फैक्टर है। इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो जिसके कारण ये डेवलप होती है वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन कैसे होती है, जैसे एक केज है उसके अंदर 6 बच्चे हैं और एज मान लो 6 वीक के करीब है, तो क्या होता है, हम रेस्ट्रिक्ट फीड करते हैं, फीड देते हैं तब उसको तोल के देते हैं, तो पहले 5 बच्चे आगे आ जाएंगे और एक बर्ड पीछे रह जाएगा। 5 बर्ड अपना टाइम से देख लो, उसको आगे आने ही नहीं देते फीड के टाइम, वो आगे आगे खड़े हो जाएंगे, पीछे उसका नंबर नहीं आएगा। नंबर नहीं आएगा तो वो फीड उसको मिलेगी नहीं, और फीड नहीं मिलेगी तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से इनटू सक्सेप्शन होगा, ठीक है, जिससे उसकी आंतें बाहर निकलेंगी। और ऐसे सिचुएशन में बर्ड में जब होगा, जब उसको एंट्रिक इन्फेक्शन भी रहेगा, एंट्राइटिस रहेगी। एंट्राइटिस किसके कारण हो सकती है, इकोलाई के कारण, क्लोस्ट्रीडिया के कारण, साल्मोनेला के कारण, कैंपाइलोबैक्टर के कारण, कोक्सीडियोसिस के कारण, कीड़ों के कारण। और एक और इसका कारण है, जब एंटीबायोटिक्स के लेवल ज्यादा दे दें तो उसके जो बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, उसकी डोमिनेंस कम होने से भी, और डोमिनेंस किसकी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, माइक्रोफ्लोरा की, तो वो भी आंतों को खराब करते हैं। तो अब इससे हमारा बचाव के क्या साधन है, हम इससे कैसे बचें, इसके लिए सबसे पहले ये कंडीशन है कि आप बर्ड्स को प्रॉपर स्पेस दीजिए। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है आप उसकी स्पेसिंग के ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए। स्पेस प्रॉपर होगा तो उसको प्रॉपर फीड मिलेगी, अगर प्रॉपर फीड मिली तो उसकी प्रॉब्लम मिनिमम होगी। एक ये फैक्टर है, ये हमने कवर कर लिया। दूसरा है एंट्रिक इन्फेक्शन, उसमें एंट्राइटिस ना हो। एंट्राइटिस के लिए क्या जरूरी है, मैंने अपना फ्लोक रिकॉर्ड बुक में 24 से 24, 25, 26, 27 और 28, 24 से 28 दिन तक कोक्सीडियोसिस प्रिवेंशन प्रोग्राम डाला हुआ है और वो सबके लिए जरूरी है। उसके करने से एंट्रिक इन्फेक्शन जो कोक्सीडियोसिस के कारण है वो नहीं रहता। तो सबसे पहले ये कुछ ड्रग्स हैं हम यूज कर सकते हैं, CHQ60, क्लोरोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन,
200 ग्राम पर टन ऑफ फीड बीफर, 1 किलो 1 टन फीड एलबैक, 1 किलो 1 टन में ओरिगो स्टीम, आधा किलो 1 टन में। ये चार दवाइयां हैं, इन चारों में से आप कोई भी दो जो आपको अच्छी लगे वो फीड में यूज कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर फीडिंग स्पेस टू बर्ड्स, और तीसरी बात है कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ क्लीन अप टाइम ऑफ फीड, कि कितना टाइम वो लेते हैं फीड उठाने। अगर फीड वो जल्दी उठा रहे हैं तो आप फीड को डाइल्यूट कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा DRB आप बढ़ाएंगे, जैसे मैंने फीड फार्मुलेशन में डाला हुआ है तो उस हिसाब से आप फीड फार्मुलेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ये है कि नीमोक्लोक्स 1 ग्राम 2 लीटर में 5 दिन 24 घंटे पानी में, और 5 दिन के बाद ये जरूरी है कि आप प्रोबायोटिक यूज करें, जैसे एविफ्लोरा है 62.5 ग्राम 5000 बर्ड्स को, और आप इसको ओरल ड्रॉप्स भी दे सकते हैं या पानी में दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा है केज में आपके बर्ड्स पड़ते हैं, आप एक एक ड्रॉप उनके मुंह में डाल दीजिए, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। और एविफ्लोरा एक ऐसी दवा है जिसमें आपका नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है जो एडल्ट बर्ड्स में होता है, अगर हम उसको पहले दिन से ही चिक्स में दे दें ओरली ओरल ड्रॉप दे दें तो आपको एंटीबायोटिक की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती और आपके बर्ड्स में इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनती है। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पार्ट हम इसके बाद करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।